डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी जैव प्रक्रम में एनसीईआरटी के बुक से पीछे वाले अभ्यास के प्रश्न को देख रहे हैं। चलिए हम लोग पिछले क्लास में जैसा कि जानते हैं 8 तक के क्वेश्चन किए थे, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को लिखा जाए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित होती है। सवाल समझिए, बोल रहा है कि गैसों का अधिकतम विनिमय के लिए, विनिमय का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसों को शुद्ध रूप करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना, हम लोग जो वायु प्रवेश लेते हैं श्वसन की क्रिया के दौरान, तो वहाँ पे बहुत सारे हानिकारक गैस भी उसमें होती है, लेकिन हम लोग उसको ऑक्सीजन गैस यानी कि ऑक्सीजनित वाले जो जिसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग अंदर की जो प्रोसेस होती है उसको अलग कर दिया जाता है। तो उसमें बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसों का जो विनिमय है वो किस प्रकार अभिकल्पित होती है, उसकी क्या व्याख्या हो सकती है। ठीक है, लिखा जाए इसका उत्तर। कुपिकाएं अपने गुब्बारेनुमा आकार के कारण वायु के आदान प्रदान को सरल बनाती है और सतही क्षेत्रफल भी वृद्धि करती है पूर्ण विराम। वायु भरने पर ये कुपिकाएं फैल जाती है तथा फुफ्फुस में परिवर्तित हो जाती है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कुपिका है फुफ्फुस, उसका आकार बिल्कुल गुब्बारे जैसा होता है। ठीक है, गुब्बारे जैसा, जिसमें न जाने कितनी पतली 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 झिल्लियाँ होती है, उस हानिकारक पदार्थ जो श्वसन की क्रिया में वायु में हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको छटनी करने के लिए, उसको अलग करने के लिए। ठीक है, तो ये गुब्बारे नुमा आकार के कारण जब इसमें वायु का आदान प्रदान होता है, क्योंकि वायु जब जब हमारा फेफड़ा फैलता है, इसका मतलब कि उसमें वायु फटाफट आता है, और जैसे मेरा फेफड़ा प्रेस होता है तो इससे वायु निकलता है, तो इसलिए हम बोला गया कि वायु का यहाँ पे आदान प्रदान होता है, और इसका सतह क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसे ही एयर इसमें आता है तो ये फूल जाता है गुब्बारा, जैसे गुब्बारा फूला तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ऐसा करने पर क्या होता है, कुपिकाएं फैलती है सिकुड़ती है, तो इसी के कारण क्या होता है, तो गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का शुद्ध ऑक्सीजन जिसको बोल सकते हैं वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही लिखें कि कुपिकाएं जो होती है गुब्बारे नुमा आकार के कारण होती है इसका, और इसके इसमें जैसे ही वायु आता है तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, और वायु जैसे इसमें भरती है तो कुपिका क्या हो जाती है, फैल जाती है, और फुफ्फुस में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है यानी कि बदल जाती है। तो यही क्वेश्चन था 9 नंबर। अब लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? 10 नंबर में क्वेश्चन में लिखा जाए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? चलिए क्वेश्चन, आपको पता है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हम बताए भी थे आपको। अब सवाल यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो हमारे शरीर में तब हमें क्या क्या कष्ट झेलना पड़ सकता है, यानी कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए। जैसे कि पता है ना आपको कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें रतौंधी नामक बीमारी होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है। लिखा जाए उसका उत्तर, उत्तर लिखा जाए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। अब क्या क्या परिणाम हो सकते हैं हीमोग्लोबिन के कारण, तो लिखा जाए उसके नीचे, पहला 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 लिखा जाए, त्वचा व आँख का रंग का पीला हो जाना, त्वचा तथा आँख के रंग का पीला हो जाना। दूसरा, व्यक्ति को थकान का महसूस होना, व्यक्ति को थकान का महसूस होना। तीसरा, शरीर में ऊर्जा की मात्रा का कम हो जाना। और चौथा लिखेंगे, हीमोग्लोबिन के कारण शरीर में ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का नहीं पहुंचना, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का नहीं पहुंचना। चलिए, हम लोग यहाँ पे सवाल था कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं हो तो उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं हो तो हमें कौन कौन सी कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो नंबर वन, कि हमारा त्वचा यानी कि स्किन और आँख का जो रंग है पीला पड़ जाता है, जिसको हम लोग जॉन्डर्स की बीमारी भी बोल सकते हैं, पीलिया रोग उसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा में व्यक्ति को थकान महसूस होगा, इतना थकान कि उसको अंदर से पता ही नहीं चलेगा कि ऊर्जा है भी कि नहीं, यानी कि ऊर्जा बिल्कुल ही नहीं बनता है, या बनता भी है तो बहुत कम मात्रा में बनता है। शरीर में जो ऊर्जा मिलता है तो हम लोग उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे थकान महसूस होता है। क्यों थकान महसूस होता है? क्योंकि इसमें ऊर्जा की कमी होती है। ठीक है, और लास्ट नंबर में लिखे हैं, हीमोग्लोबिन के कारण होता क्या है, हम पहले भी पढ़े हैं कि हमारा शरीर का कार्यात्मक इकाई जो है वो कोशिका है, और कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर में जो ऊतक है उन ऊतकों तक ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। तो ये किसके वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है।
चलिए तो ये अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा जाए। क्वेश्चन, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। चलिए, हालांकि हम लोग जानते हैं कि दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है। दोहरा परिसंचरण का मतलब ये हुआ कि हमारा हृदय में रक्त को दो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो बिल्कुल चार भाग में बटा हुआ है, चार चैम्बर। इसको बोलते हैं बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। ठीक है, तो अब इस रक्त को बायां निलय में सबसे पहले आता है जो खराब रक्त होता है, और फिर शुद्ध होकर धमनी द्वारा हृदय से पूरे शरीर में फैलाया जाता है। तो इस तरीके से रक्त को हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है, वी ऑक्सीजनित जिसको हम लोग खराब रक्त बोल सकते हैं, और एक को ऑक्सीजनित रक्त, यानी ऑक्सीजनित का मतलब शुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त होने के लिए हृदय के दो भागों से गुजरना पड़ता है, बायां भाग और दायां भाग। इसीलिए बोला जाता है कि हमारा हृदय जो है दोहरा परिसंचरण जैसा काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को लिखते हैं। आंसर लिखा जाए, वी ऑक्सीजनित रक्त दाएं आलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से सिराओं द्वारा इकट्ठा किया जाता है। पूर्ण विराम, जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तब यह दायां निलय में चला जाता है। और जब दायां निलय सिकुड़ता है और जब दायां निलय सिकुड़ता है तो वी ऑक्सीजनित रक्त तब वी ऑक्सीजनित रक्त धमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। पूर्ण विराम, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, पुनः वी ऑक्सीजनित रक्त ऑक्सीजनित रक्त में परिवर्तित होकर धमनी के माध्यम से बायां आलिंद में चला जाता है और जब बायां निलय सिकुड़ता है और जब बायां निलय सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनित रक्त
धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भाग में फैल जाता है। कॉमा इस प्रक्रिया में रक्त को हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। बोला गया कि मानव के हृदय में दोहरा परिसंचरण का व्याख्या करना। दोहरा परिसंचरण का मतलब ही हुआ कि हृदय से रक्त को दो बार गुजरना पड़ता है, ऐसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं। एक वी ऑक्सीजनित रक्त होता है जिसको हम लोग खराब खून बोलते हैं, उस सिराए द्वारा दायां आलिंद में लेकर आता है। अब दायां आलिंद से होते हुए फेफड़ा तक जाता है और फेफड़ा से वापस धमनी में आता है, क्योंकि धमनी ही ना ब्लड को प्रेस करेगा तो पूरे शरीर में ब्लड जाएगा। तो इस तरीके से दायां निलय में सबसे पहले आता है सिराओं लेकर पूरे शरीर से खराब खून को, और फिर फेफड़े द्वारा धमनी में लाया जाता है जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होकर रक्त शुद्ध होते हैं, और उस फिर शुद्ध रक्त को धमनी द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में आप देख पाएं कि रक्त को दो बार गुजरना पड़ता है हृदय के, हृदय में ही दो बार गुजरना पड़ा। एक बार रक्त यहाँ आया, फिर फेफड़ा से फिर यहाँ पे आया, और इस तरीके से दोनों आलिंद यानी कि बायां और दायां से होकर रक्त को गुजरना पड़ा, इसीलिए इसको बोला जाता है दोहरा परिसंचरण। तो दोस्त हम आज क्वेश्चन नंबर 11 तक के डिस्कस किए, फिर अगले क्लास में और बाकी का जो दो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।